बहुत विशालकाय प्रतिमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लगी हुई है। इस स्मृति उपवन का लोकार्पण 16 फरवरी 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और यहाँ यूपी सीएम ने अपनी पहली बैठक भी ली थी कैबिनेट की। बड़ी बात यह है कि एकात्म मानववाद के प्रणेता और देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने का नारा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी काल को दिखाने के लिए स्मृति उपवन बनाया गया है। यहाँ दीवारों पर उनके जीवन की कृतियों को उकेरा गया है, उनके कार्यकाल को बताया गया है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संदिग्ध अवस्था में सौ यहाँ मुगलसराय जंक्शन के पास मिली थी, जिसका अब नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में हो चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, सामने एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर भाजपा शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आएंगे उनको यहाँ बैठाया जाएगा, उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा। आप सामने देख सकते हैं उपवन के कितने ढंग से इसको सजाया गया है, हरियाली काफ़ी है और इसका साफ सफाई किया गया है। सुरक्षा की बात करें तो पुलिसकर्मी भी यहाँ काफ़ी मात्रा में तैनात किए गए हैं। गिने चुने लोग ही इस उपवन में जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके अलावा यहाँ आएंगे। बड़ी बात यह है कि अपने आप में चंदौली जिले के लिए सौभाग्य का विषय और खासकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधानसभा के लिए एक गौरव का विषय है कि देश के 12 मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं। यहाँ खुद भाजपा की विधायिका को नेतृत्व दिया गया है जो इस स्मृति उपवन के बारे में वो सभी गणमान्य अतिथियों को बताएंगी, उसके बारे में जानकारी देंगी। जी, इस उपवन में मेरे विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विधानसभा है और इसमें देश के 12 मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं लोग और उन लोगों के स्वागत सम्मान में हम लोग हैं, क्योंकि मेरा क्षेत्र भी है, मैं यहाँ के MLA हूँ और माननीय जी लोग जब आएंगे तो हम लोग स्वागत सम्मान करने के बाद उन लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जितनी जीवनी दिखाएंगे बताएंगे इस कार्यक्रम। और क्या है विशेष कुछ जो आप अपने विधानसभा के? जी, ये सब मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा में देश के 12 मुख्यमंत्री आ रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और ये सौभाग्य है और एक अच्छा मैसेज है समाज में कि देश में के 12 मुख्यमंत्री इस दीनदयाल नगर में आ रहे हैं, इस उपवन में आ रहे हैं, तो हम सब के लिए और हमारे लिए विशेष तौर पर ये शुभ संदेश है और अच्छा आशीर्वाद है।